नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विश्वास भाईजान, जी हां, मुद्दा आपके नेता कुमार विश्वास और आपकी एक महिला वॉलंटियर के अवैध संबंधों के आरोप का गूंज रहा है। खलबली हर तरफ मची है, भूचाल सियासत में भी आ चुका है। एक तरफ पीड़ित महिला कुमार विश्वास को भैया कहती है, दूसरी तरफ अवैध संबंधों के आरोप पर जमाने के सामने कुमार विश्वास को पेश होने की मांग भी करती है। वो ये भी कहती है कि विश्वास और उसके बीच कोई भी ऐसा अनैतिक संबंध नहीं है, लेकिन वो इंसाफ चाहती है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ने कुमार विश्वास से अपील करी है कि कुमार विश्वास आकर देश की जनता को साफ साफ बताएं। अगर आपके अंदर सच्चाई है, आप सामने आकर देश की जनता को बताइए। आम आदमी पार्टी में चंद दिनों की शांति के बाद फिर तूफान उठा है और इस तूफान के केंद्र में खड़े हैं कुमार विश्वास। एक महिला इंसाफ मांग रही है उन आरोपों पर जिसमें कुमार विश्वास और उस महिला को अवैध संबंध के घेरे में घसीटा गया है। इस महिला का कहना सिर्फ इतना है कि कुमार विश्वास सरे जमाने के सामने आकर ये कहें कि उनका उसके साथ कोई अवैध संबंध नहीं है। तो मैंने कुमार विश्वास से अपील करी है कि कुमार विश्वास आकर देश की जनता को साफ साफ बताएं। वो बताना चाहते हैं तो बताएं। आम आदमी पार्टी के लिए मीडिया ने क्या किया? ये तो जो जेन्युइन सी न्यूज है वो आगे आ रही है ना। अगर आपके अंदर सच्चाई है, आप सामने आकर देश की जनता को बताइए, मीडिया क्या करेगी? अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। हर खेत में, हर गांव में, हर चौराहे पर, हर मोर्चे पर हम इसके लिए लड़ेंगे। स्वभाव से कवि, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। और राजनेता के अवतार में कुमार विश्वास की कामयाबी की छलांग लंबी है। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे चमकदार चेहरा भी कुमार विश्वास। लेकिन मां नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि उनका तो दर्शन पाले तो पाप मुक्त हो जाते हैं। सच ये भी है कि पार्टी पर कोई आंच आए तो उनका सबसे पहले, सबसे आगे आकर बोलना उनकी आदत में शुमार है। शायद पार्टी भी जानती है कि कुमार को विश्वास के साथ जवाब देना आता है, लेकिन इस वक्त कहानी कुछ उलट है और बवाल यहीं पर मचा है। पीड़ित महिला आरोपों के उस दंश को निकालने की बात कर रही है जिसमें उसके और कुमार विश्वास के अवैध संबंधों की अफवाह ने रुसवा कर दिया है। क्यों पीड़ित महिला जमाने के सामने जवाब चाहती है? इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? पीड़ित महिला को किसने बदनाम किया? हम आपको बता दें कि जिस महिला पर कुमार विश्वास के साथ अवैध संबंधों के आरोप लग रहे हैं, जबकि वो कुमार विश्वास को कुमार भैया भी कह रही है, विश्वास से सबके सामने ये कबूल करवाना चाहती है कि विश्वास और उसके बीच कोई अवैध संबंध नहीं है। आखिर ये कहानी शुरू कहां से होती है? इस कहानी का एक पहलू आपके सामने होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पीड़ित महिला सिर्फ जवाब ही नहीं मांग रही, बल्कि ये भी कह रही है कि उसकी जान को खतरा है, उस पर हमला हो सकता है। तो सुनिए। नहीं तो मुझे धमकी भी दी गई है, मुझे अपनी जान का खतरा भी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि संतोष कोहली की तरह मरवा भी दी जा सकती हो। कुमार विश्वास और महिला की ये कहानी दिल्ली पुलिस के साथ साथ महिला आयोग तक पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास के साथ खड़ी है और कुमार विश्वास इसे पार्टी और अपने खिलाफ गहरी साजिश बता रहे हैं। पीड़ित लड़की ने इस बात से इनकार कर दिया है कि कुमार विश्वास और उसके बीच किसी भी तरह का कोई संबंध था, लेकिन पीड़ित लड़की का ये भी कहना है कि जिस वजह से उसे उसके परिवार से बाहर निकाला गया है, उस वजह के लिए कुमार विश्वास को सामने आना चाहिए और उस बात का खंडन करना चाहिए। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस से लेकर केजरीवाल के दरवाजे से होती हुई पीड़ित महिला अब महिला आयोग की चौखट पर खड़ी है। कुमार विश्वास के साथ जुड़े सबसे बड़े विवाद की सूत्रधार वो विश्वास की पत्नी को बताती हैं। अपनी तमाम चिट्ठियों में वो अपनी आप बीती बताती हैं, लेकिन कुमार विश्वास
उसे अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। अब मुझे इसके बारे में कुछ भी मत कहने दीजिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, आप कहिए नहीं लेकिन सच, लोगों के बेडरूम तक जाएगी, लोगों के ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी। कुछ दिन पहले आपसे निकाले गए प्रोफेसर आनंद ने जो बात कही थी, क्या वो यहाँ सच साबित होती है? क्या बेडरूम तक जाने वाली बात सच है? ये विश्वास और पीड़ित महिला दोनों बता रहे हैं अवैध संबंधों के इनकार के साथ। लेकिन सच ये भी है कि आम आदमी पार्टी की एक महिला वॉलंटियर उस दाग को अपने माथे से मिटाना चाहती है जो कुमार विश्वास और उसके बीच अवैध संबंधों की अफवाह से लगा है। नहीं तो मैं खंडन कर चुकी, लेकिन मेरे रिलेशन तो आपके साथ जोड़े जा रहे हैं ना, तो आप भी तो सामने आइए ना, सिर्फ एक के सामने आने से कुछ नहीं होता, दोनों को सामने आना चाहिए। महिला कहती है कि अवैध संबंध के आरोप की वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार का कोई सदस्य उसके साथ नहीं है। एक आरोप ने उसका घर बर्बाद कर दिया है, अब महिला आयोग की चौखट पर खड़ी है। पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि वो इंसाफ के लिए केजरीवाल को भी चिट्ठी लिख चुकी है जिसमें उसने लिखा था, मेरा नाम है और मैं पार्टी की एक जागरूक कार्यकर्ता हूँ। मैंने पार्टी के हित में कार्य किए हैं, परंतु पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में मेरे पास कई अखबारों की कटिंग आ रही है जिसमें मेरे और डॉक्टर कुमार विश्वास के बीच अंतरंग संबंधों का जिक्र किया है। माननीय, मैं चाहती हूं कि आप मीडिया के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि मैं आप पार्टी की कार्यकर्ता हूं। मेरा और डॉक्टर कुमार विश्वास जी के बीच कोई अनैतिक संबंध नहीं है। मान्यवर, ये मेरे आत्मविश्वास और नारी सम्मान का विषय है। पार्टी की कार्यकर्ता समझते हुए कृपया मीडिया के माध्यम से इसका खंडन करने का कष्ट करें। केजरीवाल को मैंने चिट्ठी लिखी थी, पहली चिट्ठी लिखी थी मैंने 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। उसके बाद मेरा कोई रिस्पॉन्स, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास, जरा फोन देना, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास। उसके बाद फिर मैं अब उन्हें चिट्ठी देकर आई हूँ 20 अप्रैल को। लेकिन ये भी पीड़ित महिला की पहली चिट्ठी नहीं थी, इससे पहले ये महिला दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिख चुकी थी। तो केजरीवाल को चिट्ठी लिखने के दिन ही कुमार विश्वास से भी अवैध संबंधों की अफवाह की शिकायत की थी, और जब बात नहीं बनी तो इसने महिला आयोग को चिट्ठी लिखी। अध्यक्षा जी, मैंने आम आदमी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उसके नेता कुमार विश्वास जी की पत्नी द्वारा मेरा नाम सोशल मीडिया में अवैध रूप से उछाला जा रहा है। अध्यक्षा जी, कुमार विश्वास की पत्नी का कहना है कि मेरे और कुमार विश्वास के बीच अवैध संबंध है। माननीय अध्यक्षा जी, इन आरोपों के चलते मेरा पारिवारिक जीवन संकट के दौर से गुजर रहा है। मेरा परिवार मुझे घर से जाने के लिए बोल रहा है, जबकि मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। अध्यक्षा जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कुमार विश्वास और उनकी पत्नी को नोटिस जारी कर मेरे ऊपर लगाए गए सोशल मीडिया के द्वारा सभी आरोपों का आपके सामने और मीडिया के सामने खंडन कराने का कष्ट करें, ताकि मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल सके और मेरा परिवार टूटने से बच सके। जी हाँ, पीड़ित महिला का आरोप है कि कुमार विश्वास की पत्नी ने अवैध संबंधों की अफवाह उड़ाई, लेकिन वो ये भी कहती है कि कुमार विश्वास के करीबी की ओर से उसे धमकाया गया और उस धमकी को उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। हेलो, हाँ शैल बोलो, क्या है? बढ़िया। हाँ बताओ, क्या चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, आपने जो महिला आयोग में क्या क्या कंप्लेन दर्ज करवाई है? मैंने कंप्लेन क्या दर्ज करवाई है, जो मुझे करवानी थी। लेकिन कुमार विश्वास बार बार इसका खंडन कर रहे हैं। कुमार विश्वास इसे साजिश बता रहे हैं और महिला कह रही है कि वो ना बीजेपी की एजेंट है और ना ही कांग्रेस की, वो तो बस इंसाफ मांग रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। क्या है अमेठी में विश्वास और इस महिला की पूरी स्टोरी, ब्रेक के बाद आप देखते रहिए। साल 2014, लोकसभा चुनाव,
अमेठी। अमेठी में कुमार विश्वास का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और उस प्रचार में पहुंचे हजारों आप कार्यकर्ता और आपके वॉलंटियर्स, बस कहानी यहीं से जन्म लेती है। कुमार विश्वास की पत्नी पर लगे गंभीर आरोप पर आकर रुकती है। तो क्या पीड़ित महिला और विश्वास की असली कहानी क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। और बैठ कर सबको बताएं कि उनका मेरा कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं, तो बता क्यों नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसने खुद ने लिखा है, मैं खुद कह रहा हूँ। एक महिला जो लोकसभा चुनाव में कुमार विश्वास के चुनाव प्रचार के लिए अमेठी जाती है और जब चुनाव खत्म होते हैं तो वो बताती है कि उस पर कुमार विश्वास के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया जा रहा है, वो भी किसी और के जरिए नहीं बल्कि खुद कुमार विश्वास की पत्नी के जरिए। मेरे ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि ये वॉलंटियर वो है महिला कार्यकर्ता जो कुमार विश्वास के साथ सोते हुए पकड़ी गई आपत्तिजनक स्थिति में, जो उनकी ही वाइफ ने उन्हें पकड़ा। तो मैं यही चीज उनसे पूछ रही थी कि सर मैं आपके साथ कब सोई, आपकी वाइफ ने कब मुझे पकड़ा। कहानी पिछले साल यानी 2014 में अमेठी से शुरू होती है, उसके बाद सुर्खियां बटोरने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मामला शांत होने के बजाय सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है। मुद्दा इतना गंभीर हो जाता है कि पीड़ित महिला 31 मार्च को चार लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाती है। 2014 के दौरान जब हमें, लेकिन पीड़ित महिला के मुताबिक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर ये महिला जमाने के सामने आती है और अपनी बात रखती है। मेरे ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि ये वॉलंटियर वो है महिला कार्यकर्ता। साथ ही कुमार विश्वास से मीडिया के सामने सफाई पेश करने के लिए कहती है उस अवैध संबंध के आरोप पर जो दोनों के बीच था ही नहीं, जिसे महिला भी महज अफवाह बताती है। वो कुमार विश्वास को भैया भी कहती है और उस कहानी को रिपीट करती है जब वो अमेठी प्रचार करने के लिए गई थी और मेरा नाम भी स्पेशली लिया। आप सब लोगों को अमेठी पहुंचना है, वहां से हमें जीत हासिल करनी है। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम लोग सब चलेंगे। तो उन्होंने कहा आपको टिकट वगैरह सब करवा के दी जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, हम देश की सेवा करने निकले, अगर आप हमें टिकट नहीं भी करवा के देंगे तो हम वहां पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं 2014 में अमेठी में पहुंची, वहां मैं कुमार भैया से मिली। फर्स्ट डे जब मैंने वहां एंटर किया तो वहां डाटा में मेरा नाम सेव हुआ। कुमार को भैया बताने वाली पीड़ित महिला की कहानी अब इतनी बढ़ चुकी है, समझ में नहीं आ रहा कि विश्वास आखिर किस पर करें। दिल्ली से अंकित यादव और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अब इन तमाम आरोपों पर क्या कह रही है आम आदमी पार्टी, ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। अवैध संबंध पर विपक्ष आपको घेर रहा है और आप इस पार्टी और विश्वास के खिलाफ साजिश बता रही है। अब सच से पर्दा कैसे हटेगा, क्या कुमार विश्वास और उनकी पत्नी को जमाने के सामने आना ही पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि विश्वास पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे तथ्यहीन बताया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को नोटिस भेजा है, विपक्ष मामले की जाँच की मांग कर रहा है और पीड़ित लड़की यही कह रही है कुमार विश्वास अपनी पत्नी के साथ आकर मीडिया के सामने ये कहें कि ऐसा कोई संबंध नहीं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।